नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। अफगानिस्तान में अजय पंजशीर घाटी पर कब्जे के लिए तालिबान ने अभियान तेज कर दिया है। तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर को घेर लिया है, तो वहीं पंजशीर के नेता और नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद की सेना भी तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाल चुकी है। बता दें कि अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से पंजशीर प्रांत इकलौता ऐसा राज्य है जहां तालिबान अपना कब्जा नहीं कर पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों पंजशीरी लड़ाके तालिबान शासन से चिढ़ते हैं, इसके पीछे ऐसी क्या वजह है, पंजशीर घाटी में तालिबान की क्या है बड़ी बाधाएं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। पंजशीर के लड़ाके तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे, वो कई मामलों में तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में तालिबान के लिए इस इलाके से पंजशीर के लड़ाकों को खदेड़ना बड़ी चुनौती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में तालिबान के लिए कुछ ऐसी बाधाएं भी हैं जो इस जंग को उसके लिए और कठिन बना सकती हैं। पंजशीर के लड़ाके युद्ध कला में निपुण होने के साथ ही प्रेरित सेनानी हैं। इनके लिए अहमद शाह मसूद एक प्रेरणा स्रोत है। अहमद मसूद अहमद शाह के ही बेटे हैं जो इन दिनों पंजशीर के लड़ाकों की कमान संभाले हुए हैं। अहमद शाह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 80 के दशक में पूर्व सोवियत संघ की सेना को अपने इलाके से बाहर खदेड़ने पर मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, 2001 से पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, तब भी अहमद शाह ने तालिबान को पंजशीर में घुसने नहीं दिया था। तालिबान ने उस समय भी पंजशीर को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन इस इलाके में फतह नहीं कर पाया था। हालांकि 2001 में तालिबान ने अलकायदा के आतंकियों के साथ मिलकर अहमद शाह की हत्या कर दी थी। अहमद शाह आज भी तालिबान विरोधी और ख़ास तौर पर यहां के लोगों के लिए प्रेरणादायक है। यहां के लोगों को 9 सितंबर 2001 को तालिबान के आश्रय दिए गए अलकायदा द्वारा अहमद शाह की विश्वासघाती हत्या को भूला नहीं गया है। उन्हें ये बात आज भी काफ़ी चुभती है, इसलिए उनके दिल और दिमाग पर बदले की भावनाएं हावी रहती हैं। यही बदले की आग उनके लिए एक आग की तरह काम करती है, जो एक अत्यधिक प्रेरित लड़ाकू बल को तालिबान को सबक सिखाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बता दें कि पंजशीर में ज़्यादातर ताजिक समुदाय के लोग रहते हैं। ये उन्हें एक स्पष्ट पहचान और एकजुटता प्रदान करता है। यही सांस्कृतिक भावना और एकजुटता तालिबान के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत करती है। इसका नेतृत्व ज़्यादातर पश्तून आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इसमें खास बात यह है कि पंजशीरियों का नेतृत्व भी एकजुट है, जिससे तालिबान के खिलाफ लड़ाई में और बल मिलता है। तालिबान के लिए पंजशीर घाटी के अत्यंत कठिन इलाके से भी निपटना आसान नहीं है, जो गुरिल्ला युद्ध के लिए आदर्श है। तो वहीं पंजशीर को तालिबान के खिलाफ अब तक अन्य विद्रोही गुटों का भी समर्थन मिलने लगा है, जिससे अहमद मसूद की सेना मजबूत हो गई है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या तालिबान पंजशीर पर कब्जा कर कई सालों के सपने को पूरा कर पाएगा, या फिर पंजशीर के सामने उसे एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।